वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2015 की तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भले भले मगाड़ी होई, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे नेचुरल स्टार नानी, मुरली शर्मा, लावण्या त्रिपाठी, नरेश और वैनल किशोर। बात करें फिल्म के हिंदी डब वर्जन की, तो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आज यानी कि 12 दिसंबर को शाम 7 बजे माई नेम इज लकी नाम से होने वाला है ढिंचैक चैनल पर। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इस फिल्म को पहले ही अपने मोबाइल फोन पर, यूट्यूब पर और काफी सारी इलीगल वेबसाइट्स पर पहले ही हिंदी में देख लिया है। तो क्या उन्होंने इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को देखा है या फिर था वो कोई अनऑफिशियल वर्जन? अगर अनऑफिशियल था तो इतना रियल कैसे लग रहा था, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में जरूर बात करूंगा। पर आइए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में और देते हैं आपको इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू। तो बात करें इस फिल्म की, तो अगर आप भी मेरी तरह साल 2015 की इस फिल्म को 2020 में देखने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है शायद इस साल की आपके द्वारा और मेरे द्वारा देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म रहने वाली है, सच बता रहा हूँ। एक पल को तो फिल्म देखते वक्त मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि उस वक्त की कॉमेडी, उस वक्त के पंचलाइंस और उस वक्त के ह्यूमर्स आज के टाइम में भी हमें हंसाने में किस तरह से कामयाब रह रहे हैं। पर यहाँ पर इस चीज का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है नेचुरल स्टार नानी और नरेश को। इन दोनों ने इस फिल्म में जिस किस्म का काम किया है वो सही में कमाल का है। अगर आप इसी फिल्म में किसी और एक्टर को देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जितना मजा यहाँ पे नानी को देखते वक्त आएगा उतना किसी और एक्टर को देखते वक्त आ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि नेचुरल स्टार नानी का खुद का ही एक अपना स्टाइल है, जिस तरह से वो डायलॉग्स को बोलते हैं, उनके डायलॉग्स में जो एक उतार चढ़ाव रहता है, जो एक उनकी वॉइस है, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही सीन्स को मजेदार बनाती है। और इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही होता है। फिल्म में उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, हर एक चीज इतनी परफेक्ट है कि फिल्म के पहले सीन से लेकर फिल्म के आखिरी सीन तक आप हंसते ही रहोगे। इसके अलावा मैं तारीफ करना चाहूंगा नरेश की, जो यहाँ पे नानी के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका काम जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का है। और इस तरह के रोल वो आजकल भी बहुत ज्यादा प्ले करते भी हैं, पर ये जो काम था वन ऑफ द बेस्ट काम था उनका। और जिस तरह से इंटरवल के बाद उनका एक एक्सप्रेशन आता है, वो तो सही में मैं काफी देर तक हंस रहा था उस एक्सप्रेशन के लिए, और वो बहुत ही कमाल का सीन था। तो अगर आप इस फिल्म को कॉमेडी के लिए देख रहे हो तो मैं तो कहूंगा कि सिर्फ अकेले मत देखना, अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के आप इस फिल्म को देख सकते हो, ये फिल्म आपको जरूर हंसाएगी। इसके अलावा बात करें फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले की, तो फिल्म का जो प्लॉट है वो काफी अच्छा था, जहां पर नानी एक भुलक्कड़ लड़के के रोल को प्ले कर रहे हैं, और जिसके वजह से फिल्म में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, या फिर कहें सिर्फ उसी चीज की वजह से फिल्म में बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो हमें हंसाने में कामयाब रहती हैं। इसके अलावा बात करें स्क्रीन प्ले की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत पुराना है या फिर आउटडेटेड है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2015 के बाद ऐसी काफी सारी फिल्में हमें देखने को मिली जिनका स्क्रीन प्ले लगभग इसी फिल्म के तरह था। जिसे भी मैं कह लूं, नानी की ही एक फिल्म नेनू लोकल, वहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। उसके अलावा बात कर ले राम पोती नेनी की एक जो फिल्म थी हेलो गुरु प्रेमा कोसम है, ये भी इस फिल्म का भी जो स्क्रीन प्ले था लगभग इसी तरह का था। तो भले ही आपको फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो आउटडेटेड लगे, पर फिल्म का स्क्रीन प्ले आउटडेटेड इसलिए है क्योंकि आप 2015 की फिल्म को 2020 में देख रहे हो। जैसा कि मैंने रिव्यू की शुरुआत में ही कहा कि ये जो फिल्म है आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से हंसाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉमेडी सीन्स हैं वो आपको फर्स्ट हाफ में भी अच्छे देखने को मिलते हैं और सेकंड हाफ में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि जब एक कॉमेडी फिल्म हम देखते हैं तो काफी जगहों पर जो लॉजिक है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इस फिल्म में भी ऐसे कुछ सीन्स हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। पर एक चीज कहना चाहूंगा कि डायरेक्शन और परफॉर्मेंस इतनी कमाल की होती है कि उन चीजों पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसके अलावा बात करें फिल्म के गानों की, तो फिल्म में गाने काफी अच्छे थे पर बहुत ही ज्यादा थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 घंटा 17 मिनट की ये फिल्म थी। मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा है हॉटस्टार पर, तो वहां पर फिल्म में 2 घंटा 17 मिनट की फिल्म के अंदर मुझे लगभग 5 या 5 गाने शायद मैंने देखे हैं, जिनमें से कुछ गानों को तो मुझे भगाना भी पड़ गया। तो आप हिंदी डब वर्जन देख रहे हो तो आपको शायद ये कमी नहीं खलने वाली है। फिल्म के अच्छे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बाद फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वहां पर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा कि अब जो क्लाइमैक्स है वो एकदम नॉर्मल सा होगा और फिल्म खत्म हो जाएगी, पर क्लाइमैक्स जो था उसे बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है, जितना अच्छा बनाया जा सकता था उतना अच्छा बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म का क्लाइमैक्स भी आपको इतना कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा अगर आप इस फिल्म को एक कॉमेडी फिल्म के तौर पे देख रहे हो तो। इस फिल्म में परफॉर्मेंस, डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म की जो डायलॉग्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया लिखे गए हैं। अगर आप
आपने, मैं कहूंगा कि अगर आपने गजनीकांत फिल्म देख ली है जो कि हिंदी डब में पहले ही आ चुकी थी, तो अब आप इस फिल्म को हिंदी में ना देखो तो भी चलेगा, पर मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को आप एक बार ओरिजिनल तेलुगु वर्जन में देखो, क्योंकि तेलुगु वर्जन में कहीं ना कहीं हिंदी डब वर्जन से 10 गुना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप वहां पर नानी की अपनी वॉइस सुनोगे और डायलॉग्स जो होंगे वो पूरी तरह से ओरिजिनल रहेंगे। तो ओरिजिनल डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। तो फिल्म के जो डायलॉग्स थे वो मुझे काफी अच्छे लगे, और कॉमिक पंचेस और सीरियस डायलॉग्स दोनों ही बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं। तो ओवरऑल कहूं तो भले भले मगाड़ी हुई, या फिर कहें माय नेम इज लकी, एक कंप्लीट कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है, जहां पर ये फिल्म आपको कॉमेडी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी निराश नहीं करेगी। तो अगर आप अच्छी कॉमेडी के लिए कोई एक फिल्म देखना चाहते हो और आप हो नेचुरल स्टनानी के बहुत बड़े फैन, तो इस फिल्म को किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.75 स्टार्स। तो अब आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए आप लोग कह रहे होंगे कि भाई हमने तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को बहुत पहले ही देख लिया है, अब हम क्यों देखें। तो मेरी बात सुनो कि ये जो हिंदी डब वर्जन आपने अपने मोबाइल फोन्स पर देख लिया है बहुत ही पहले, ये दरअसल ओरिजिनल या फिर कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। दरअसल हुआ ये है कि फिल्म का जो रीमेक वर्जन था, यानी कि गजनीकांत जिसमें थे आर्या, इस फिल्म को भी गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने ही डब करवाया था। और हुआ ये कि कुछ लोगों ने क्या किया कि उस फिल्म के ऑडियो को उठाकर इस फिल्म के वीडियो में डाल दिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद फिल्म डब हो गई है, पर लोगों ने एक बार भी ध्यान से नहीं देखा कि यहां पर जो डायलॉग्स हमें देखने को मिल रहे हैं वही डायलॉग सुनने को हमें उस फिल्म में भी मिले थे। तो ये मत समझिएगा कि आपने इस फिल्म को पूरी तरह से देख लिया है, और मैं कहना चाहूंगा कि एक बार नानी की इस फिल्म को आप जरूर देखिएगा, फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने ये फिल्म पहले ही देख ली है तो इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।